भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन शनिवार को सिविल लाइन स्थित एक क्लब में किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभा की अध्यक्षता कर रहे प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर विश्वनाथ, राज्य मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सांसद कमलेश पासवान, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, MLC देवेंद्र सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, पार्टी के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला, वर्तमान क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, हिंदू वाहिनी के PK मल, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सैयद जमाल अहमद, डॉक्टर हर्ष सिन्हा सहित भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कई पदाधिकारी व सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने स्वर्गीय वाजपेयी के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पूरी दुनिया लोकतंत्र के एक महान युग के अवसान पर अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारत को इस बात पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व इस देश को मिला, जिन्होंने आजादी के बाद 70 वर्षों के इस कालखंड में राजनीतिक क्षेत्र का कार्य किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश ही नहीं विदेश की जनमानस प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से स्वर्गीय वाजपेयी से प्रभावित रहा है और यही कारण है कि जिसने स्वर्गीय वाजपेयी के बारे में सुना वह दिल्ली के एम्स के लिए दौड़ा पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर और अटल बिहारी वाजपेयी का संबंध किसी से छुपा नहीं है। गोरखपुर में श्री स्वर्गीय वाजपेयी का आगमन 2004 में हुआ था। जब भी भारत अपने राष्ट्रीयता की बात करेगा तब तब स्वर्गीय वाजपेयी याद किए जाएंगे और भारतीय जीवन मूल्य में मूल्य, आदर्श और सिद्धांतों की बात होगी तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण होगा। प्रकृति के आंसुओं की श्रद्धांजलि हो रही है और न ही आदरणीय अटल जी के दिवंगत हो जाने के बाद इस देश में कोने कोने में उनके प्रति जो आदर भाव है, जो उनके प्रति जनता का भाव है, उसको व्यक्त करने के लिए आयोजित हो रही श्रद्धांजलि सभाओं का क्रम हो रहा है और ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि वो हम सब के मन में दल और जाति की सीमाओं से परे कितने ऊपर और कितना विशिष्ट श्रद्धांजलि सभा में उद्घार के लिए बहुत सीमित समय है, ये समय भी नहीं है तो बहुत लंबी चौड़ी बात की जाए, पर मैं केवल दो बातें जरूर कहना चाहूँगा इस अवसर का लाभ करते हुए जो मैं महसूस करता हूँ ये बात। पहला ये कि एक ऐसे समय में जबकि नकारात्मक प्रवृत्तियाँ बहुत प्रबल होती जा रही हैं, समाज में हीरो की जगह एंटी हीरो प्रतिनायक ने उसका स्थान ले लिया है। अच्छा बोलने से ज़्यादा जरूरी है कि आप किसी ताकतवर आदमी के कितना निकट पहुंचकर उसके कान निकाल कह सकते हैं। सारे अच्छे मानवीय गुणों की जगह दूसरे और बहुत सारी प्रवृत्तियां हावी हो चुकी हैं। ऐसे समय में अटल जी का उनके मौन के बाद भी देहावसान के बाद जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आई उसने इस विश्वास को दृढ़ किया है कि समय चाहे जैसा भी हो लेकिन मूल्य मरा नहीं सत्य अटल जी अमर रहे। आवाज नहीं आ रही है। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज कितनी दूर से अस्थि कलश यात्रा लेकर आ रहे हैं और हम लोग की आवाज कितनी धूमी है। आइए पूरे जोश के साथ बोले सत्य अटल जी अमर रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मौसम का तकाजा देखते हुए श्रीकांत वर्मा जी कृष्ण वर्मा जी प्रधान संगठन के प्रदेश मंत्री कहाँ गए, आप आए जल्दी से अपनी बात परम आदरणीय उत्तर प्रदेश के राजनीति को जो खड़ा कर दिया
पंचायत के सभी प्रतिनिधियों के तरफ सभी वक्ताओं से कृपया एक दो शब्द में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष की सोच आज वह प्रफुल्लित हो रही है। उस महान विभूति को पूर्ण भगवान की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन सदा सुमन अर्पित करता हूँ। पढ़ते हुए मैं डॉक्टर जेपी जायसवाल अध्यक्ष भारतीय चिकित्सा संघ गोरखपुर लगी अटल जी की जीवनी से एक प्रेरणा मिली कि वो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच लेके चलते थे, हमेशा अच्छी सभा में आने से पूर्व हम सब लोग हमारे यहाँ महानगर के अध्यक्ष अरुण अग्रही जी, दिनेश श्रीवास्तव जी, धर्मराज चौहान जी, सब लोग तमाम लोग थे। हम आज श्रद्धांजलि सभा में आने के पूर्व हम लोग अपनी नेता स्वर्गीय इंदिरा जी की मूर्ति पर गए, उनको नमन करते हुए ये कहा कि हम जा रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने एक ऐसे महान व्यक्तित्व को जिसने दलीय सीमा से ऊपर उठ करके भरी संसद में खुलेआम आपको माता दुर्गा कहा था। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं और मैं अपने श्रद्धा सुमन यहाँ पर आदरणीय अटल जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को अर्पित करता हूँ। एक और बात मुझे आज के दिन याद आती है, कहना जरूरी समझता हूँ, समय कम है फिर भी। जब विदेश मंत्री थे श्री वाजपेयी जी, तो पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि विदेश नीति में आप कोई परिवर्तन क्यों नहीं लाते, आप गुट निष्पक्षता की नीति पर जवाहरलाल नेहरू की तरह चल रहे हैं, क्या आप भी नेहरूवादी हो गए? अटल जी ने कहा था, हाँ मैं हूँ नेहरूवादी, अगर उन्होंने एक अच्छे कार्य किए हैं तो उस पर चलने में मुझे कोई संकोच नहीं। ऐसा महान व्यक्तित्व कोई दूसरा देखने को नहीं मिलता। सामंजस्य बिठाने में, सबको साथ लेकर चलने में और पहली सफल गठबंधन सरकार चलाने का श्रेय अटल जी को दिया जाता है। मैं ऐसे महान व्यक्ति को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। उनका विराट विचार दर्शन देशवासियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। अटल जी देश के एक ऐसे वैचारिक अधिष्ठान थे कि उनके अवसान के बाद वह वैचारिक अधिष्ठान कमजोर पड़ जाए। देश को आज अटल जी के वैचारिक शक्ति की आवश्यकता थी। ऐसे समय अटल जी का अवसान देश के लिए, राजनीति के लिए, जनतांत्रिक मूल्यों के लिए भारी क्षति है। राजनीति में अटल जी जिस रास्ते पर चलते थे उस रास्ते पर आज दूसरा कोई व्यक्ति चलने में समर्थ नहीं है। राजनीति में रहते हुए भी विरोधियों के प्रति जो उनके मन में स्नेह था, जो उनके मन में मित्रता का भाव था, समता का भाव था, वो आज देखने को नहीं मिलता। राजनीति करने वाले लोगों के लिए अटल जी सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। उनका वैचारिक दर्शन, उनका विराट व्यक्तित्व हम सब लोगों को उनके रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। मैं स्वर्गीय अटल जी को श्रद्धापूर्वक शीश झुकाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त था कि अटल जी जब 1996 में लखनऊ से चुनाव लड़ने आए तो पार्टी ने मुझे उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पर उनके साथ अटैच किया और उसके बाद पूरे 7 वर्ष तक मुझे अटल जी के साथ एक साय की तरह रहने का मौका मिला। अटल जी को जानने और उनके बारे में कोई व्याख्यान देने के लिए मुझे किसी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अटल जी के संग 7 वर्षों में उनको एक खुली किताब की तरह पढ़ा और जाना। मित्र, अटल जी के व्यक्तित्व के कई हिस्से थे जो मैं
30 सेकंड में आपको बता दूं, पहली बार दशकों के बाद ऐसा हुआ था कि जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो ऐसा लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के लिए आया है जिसका व्यक्तित्व बड़ा है और प्रधानमंत्री का पद छोटा है। ये उनका विराट व्यक्तित्व था। दूसरी बात मित्रों, उनकी जो कल्पना शक्ति थी विकास की, ये जो आज हम 4-लेन रोड्स देखते हैं, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, गोल्डन क्वाड्रेंगल, ये सारा अटल जी की देन है। ये विकास के प्रति उनकी देन थी। जो कुशल प्रशासक और एक कुशल प्रशासनिक और संगठन की क्षमता थी, 23-24 दलों की सरकार को अटल जी ने जिस तरह से चलाया और जिस तरह जब चाहा जिसको चाहा संगठन में रखा, जिसको चाहा मंत्री पद पर दिया, जिसको चाहा मंत्री पद से हटा के संगठन में रखा, लेकिन कभी कोई किसी ने सर नहीं उठाया, उनकी हर बात को लोगों ने सर झुका के स्वीकार किया। इतने बड़े विराट व्यक्तित्व के को आज ना श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मौका मिल रहा है। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ, उनको शत शत नमन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक स्वच्छ राजनीति के तरीके से उन्होंने भारतवर्ष में एक नई राजनीति की शुरुआत की थी। और हमें याद है शास्त्री जी ताशकंद समझौते के लिए जा रहे थे तो उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कोई ऐसा समझौता ना हो जो देश की सुरक्षा पे आ जाए। और जब भी उन्होंने विरोध पक्ष में भी रह करके एक शालीनता पूर्वक एक सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया। प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय मंत्री की हैसियत से मैं अपनी सत्ता सुमन उस महान पुण्यात्मा के प्रति अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। आज जब मेडिकल कॉलेज से उनका अस्थि कलश निकला तो इस नारे से पूरा शहर गुज गया चौराहे चौराहे पर, जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी तेरा नाम रहेगा। इसी से इनकी प्रसिद्धि का पता चलता है। अटल जी का विराट हृदय था, विराट व्यक्तित्व था, हिमालय से भी ऊंचा उनका व्यक्तित्व था। और उन्होंने भारत की निर्माण के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का परिचय दिया और दुनिया को दिखा दिया कि भारत दुनिया में अजय है। पोखरण विस्फोट करके, कारगिल युद्ध जीत करके, ग्राम के विकास के लिए ग्रामीण सड़क योजना दे करके, नदियों को जोड़ने की योजना देकर, चस्वर्ण चतुर्भुज योजना देकर, जिस पर हमारे मोदी सरकार और योगी सरकार जी आगे बढ़ रहे हैं और देश का विकास हो रहा है, अटल जी आज हमारे बीच में नहीं है। उनके किए हुए कार्यों के, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। और मैं आज के दिन ज़्यादा कुछ कहते हुए मैं अटल जी को नगरवासियों की तरफ से, गोरखपुर की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जय हिंद। बिहारी वाजपेयी जी के श्रद्धांजलि सभा में सम्मानित अध्यक्ष जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज महाराज जी, सम्मानित मंच, इस बरसात के मौसम में आए हुए दूर दराज से सभी सम्मानित साथियों, हमारे स्वर्गीय अटल जी जिनके समय में पोखरण परीक्षण हुआ था, उस समय भारतवर्ष को अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित भी किया गया था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हमारे स्वर्गीय अटल जी की देन थी। साथियों, उस महान आत्मा के प्रति 323 गोरखपुर ग्रामीण के सभी सम्मानित जनता के प्रति से हम अश्रुपूर्वक नयनों से सम्मानित अटल जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत दास्ता कहते कहते इस देश में महात्मा गांधी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी दो ऐसे हस्ताक्षर हैं और दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो भी समाज में और राजनीति में काम करेगा
सफलता की कितनी भी ऊंचाइयों पर चला जाए, समाज उनका मूल्यांकन गांधी जी और अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व के आधार पर ही करेगा। बहुत छोटी सी बात जो उन्होंने कही, मेरे प्रभु मुझको इतनी ऊंचाई मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रूखाई मत देना, इन चार लाइनों में उन्होंने हर राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए जो राजनीति का सत्व होता है वो बताया। हम सब उनके विद्यालय के छात्र हैं, हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं और इस बात को हमेशा याद रखते हैं, आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है और मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा रोती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ अपनी बातें समाप्त करता हूँ। अटल जी एक महानायक थे, राष्ट्र नायक थे, जन नायक थे। उनके निधन से दुनिया की राजनीति में एक शून्यता आई है। अटल जी विभिन्न विचारधाराओं में, जिनका उनसे मेल भी नहीं था, उनमें समन्वय स्थापित करने में वो निपुण थे और गठबंधन की राजनीति को नई दिशा देने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। हम अटल जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की तरफ से परम श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भाग्यशाली हूँ कि 1991 से लेकर और आज तक अटल जी के साथ कार्य करने का मुझे अवसर मिला। उद्धार देने का बताने का तो बहुत लंबा समय चाहिए, लेकिन निश्चित तौर से बड़ों ही दृढ़ निश्चय के थे और बहुत कोमल दिल के भी थे और हम लोग को सदा ये बताते रहते थे कि दुश्मन और पराया कोई नहीं होता है, हमको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। और कहीं ना कहीं उनकी चिंता अगर गांव के गरीब व्यक्ति की थी तो राष्ट्र का भी चिंता था। परमाणु विस्फोट करके 4 लेन और 6 लेन से अगर पूरे राष्ट्र को जोड़ने का काम किया तो गांव में भी प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से गांव को भी जोड़ने का काम किया और देश में कहीं ना कहीं एक बहु विचारधारा की सरकार चलाने का भी कार्य किया। और अटल जी सबके प्रिय थे क्योंकि उनके लिए राष्ट्र सब सर्वोपरि था। राष्ट्र के लिए जिया उन्होंने, राष्ट्र के लिए ही वो पूरा जीवन समर्पित कर दिए और इसलिए कहीं ना कहीं पूरे देश में आज जिस प्रकार से सभी दल, सभी जाति, सभी धर्म के लोग आज अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, आज के अवसर पर मैं भी अपनी तरफ से, अपने महाराजगंज की जनता की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद। और जीवन मूल्य तथा मर्यादाओं को अपने केवल विचार वक्तव्य के आधार पर नहीं तो अपने आचरण के आधार पर स्थापित करने वाले संघ के स्वयंसेवक, विचारक और प्रचारक परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज श्रद्धांजलि सभा में जिन महापुरुष के श्रद्धांजलि सभा के लिए हम सब लोग यहाँ हैं, पूरा देश आज याद कर रहा है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 94 वर्ष का जीवन का पूरा समय, एक एक क्षण भारत के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए, अपने देश की संस्कृति के लिए समर्पित रहा। उन्होंने पूरा जीवन अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिया। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऐसे मार्ग
ऐसे उनके दर्शन को लेकर के हम सभी लोगों को आगे बढ़ने की शक्ति ईश्वर प्रदान करें, ताकि उनके जो अधूरे कार्य हैं उन कार्य को हम सब लोग आगे तक पहुंचा सकें। अपने निर्वाण प्राप्त माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सर्वदलीय शोक श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, सभी मंच पर बैठे हुए माननीय मंत्री, सांसद, विधायकगण, महापौर के साथ साथ सभी दलों के मंच पर बैठे हुए सम्मानित नेतागण, विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के हमारे प्रमुख गणमान्य साथियों, आज हम सभी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हैं, और पूरा देश जानता है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनीतिक क्षितिज के एक ऐसे ध्रुव तारा के रूप में आज हैं, जो निर्वाण प्राप्त करने के बावजूद भी हमें हमेशा अपने विचारों और कार्यों से मार्गदर्शन करते रहेंगे। विपक्ष की राजनीति को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले और सत्ता स्थिर पर पहुंचकर एक काबिल प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने इस देश की सेवा की। वसुधैव कुटुंबकम को संदेश देने के लिए आवश्यकता पड़ी तो पाकिस्तान से दोस्ती भी किया, लेकिन देश के सम्मान में जरूरत पड़ी तो कारगिल युद्ध के माध्यम से उनको धूल भी चढ़ाने का काम किया। पूरे दुनिया में भारत की पहचान को मजबूत बनाने के लिए परमाणु पोखरण में परीक्षण भी किया, और यही नहीं, पूरे देश में एक नई विकास की दिशा तय करने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग का निर्माण कर उन्होंने हर क्षेत्र में एक अपना इतिहास रचा। ऐसे इतिहास पुरुष माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। आज समय बिल्कुल नहीं है और अटल जी के गुणों का बखान करने के लिए बहुत समय चाहिए। मैं इसलिए पहले बोल रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ थोड़ी बात विस्तार से करेंगे। आप जानते हैं अटल जी एक कवि थे, सहृदय थे, और यही कारण है कि उनके विरोधी भी उनको अपना गुरु मानते थे और उनका आदर करते थे। इस अवसर पर एक कवि को श्रद्धांजलि उनकी एक कविता से मैं देना चाहता हूं। ये कविता ऐसी ही परिस्थितियों में, ऐसी ही मनस्थितियों में जिस समय अटल जी रहे होंगे उन्होंने लिखी है। बहुत छोटी सी कविता है। क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछुड़ते मग में, मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि छला गया पग पग में, एक दृष्टि बीती पर डालें, यादों की पोटली टटोलें, असतम इतना काफी है, अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोलें। आप जानते हैं कि हमारे घरों में जब लोग आते हैं तो कोई भी दरवाजा खोल देता है, कोई जरूरी नहीं कि जिससे मिलने आए हैं वही खोले, लेकिन जब अंतिम दस्तक होती है मृत्यु की तो उसी को दरवाजा खोलना होता है जिससे वो मिलने आई होती है। इतना काफी है, अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोलें। जन्म मरण अविरत फेरा
जीवन बंजारों का डेरा, आज जहां कल कहां कूच है, कौन जानता किधर सवेरा। अंधियारा आकाश असीमित, प्राणों के पंखों को तोलें, इतना काफी है अंतिम दस्तक पर, खुद दरवाजा खोलें। धन्य। इससे पहले कि हम सब के अगुवा पूज्य मनीषी यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी संबोधित करें, लेकिन उससे एक मिनट पहले करबद्ध निवेदन है सबसे। आशा कुदरत भी उस महानायक को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। दिल की गहराइयों से बोलिएगा, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, भारत माता की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्थि कलश यात्रा के गोरखपुर आगमन पर गोरखपुर के सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक और व्यापारिक संगठनों के द्वारा आयोजित आज की इस श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सज्जनों, पूरा देश और पूरी दुनिया लोकतंत्र के एक महायुग के अवसान पर सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारत को इस बात पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व इस देश को मिला है। आजादी के बाद के इन 70 वर्षों के इस कालखंड में राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हो, सामाजिक क्षेत्र का हो, सांस्कृतिक क्षेत्र का हो, जिसने ईमानदारी के साथ समाज जीवन के इन सभी क्षेत्रों में थोड़ी भी रुचि ली, थोड़ी भी कार्य किया, वह प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से सरदेव अटल जी से प्रभावित रहा है। और यही कारण है कि जिसने भी सरदेव अटल जी के बारे में सुना, वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली की ओर दौड़ पड़ा, दिल्ली में उनका आधिकारिक आवास की ओर दौड़ पड़ा, या फिर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय, और जिसे इन तीनों स्थानों पर जगह नहीं मिला तो उनके अंतिम स्मृति स्थल में उमड़े हुए लाखों लोगों की उस भीड़ में वह भी अपने आप को कहीं ना कहीं पा रहा था। आज संचार माध्यम बहुत तेज हो चुका है, हर क्षण की घटना को देश और दुनिया ने देखा है। वास्तव में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को जो यशस्वी नेतृत्व उन्होंने अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण वर्षों में दिया, एक पत्रकार के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में, एक समाजसेवी के रूप में, और एक राजनेता और एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, हर क्षेत्र में वह उस क्षेत्र के लोगों के लिए अनुकरणीय बन गया। गोरखपुर और गोरखनाथ मंदिर के साथ सरदेव अटल जी का संबंध किसी से छुपा हुआ नहीं है। गोरखपुर में उनका अंतिम आगमन 2004 में हुआ था, और वह भी मुझे याद है
2004 में जब उनका गोरखपुर आगमन अंतिम बार हुआ था तो गोरखपुर एयरपोर्ट पे हम लोग मिलने के लिए गए। उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे अपनी भारतीय वायुसेना के विमान से उतरे, उन्होंने कहा कि मैं आपकी शिकायत करूंगा मोहन जी से। मैं समझ नहीं पाया क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे केवल गोरखपुर में एक सभा करनी होती थी और शेष अन्य जगह गोरखपुर से अपने आप कवर हो जाता था, और इस बार मुझे बताया गया कि आपने कहा कि गोरखपुर में सभा की आवश्यकता नहीं, इसलिए मुझे जगह जगह जाना पड़ रहा है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं, मैंने तो गोरखपुर की आपकी सभा मांगी है। उन्होंने कहा अच्छा, ऐसी बात है? हमने कहा हाँ। वहां से वे महाराजगंज के लिए चले गए, हम लोग बाय रोड महाराजगंज गए। महाराजगंज की सभा से पंकज चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, इनकी सभा महाराजगंज में संपन्न करके अटल जी हेलीकॉप्टर से गोरखपुर आ गए, हम लोग बाय रोड आ रहे थे। वे एयरपोर्ट से सीधे गोरखनाथ मंदिर चले गए, बिना किसी कार्यक्रम के वे गोरखनाथ मंदिर चले गए और वहां पर आधा घंटा महाराज जी के साथ बैठक करके चाय पी करके फिर वापस दिल्ली चले गए। उसी दौरान मुझे दिल्ली जाना पड़ा, तो मैंने दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने कहा आपने मंदिर का कार्यक्रम बनाया, आपने बताया भी नहीं। कहा कि मैं जब कह रहा था शिकायत करने की बात, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि कम से कम आप बोलेंगे कि मंदिर आ जाइए, आपने नहीं कहा, इसलिए स्वयं महाराजगंज पहुंच गए। और महाराजगंज के मंच पे जब मैंने देखा कि आप महाराजगंज के मंच पे हैं, इसलिए मुझे अवसर मिला कि मैं चुपचाप मंदिर होकर के आ जाता हूं। इसी बहाने कितने अपने कितना एक जज्बा था जीवन में कार्य करने का और हर क्षेत्र में। वास्तव में व्यक्ति जब जमीन से जुड़ा होता है और जीवन के एक लंबे अनुभव को अपने कार्यों के साथ जोड़ता है, तो जो भी कार्य होता है व्यावहारिक धरातल पर उतरता हुआ दिखाई देता है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब भी इस देश के गांव के विकास की बात होगी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तो सदैव अटल जी का स्मरण होगा, अटल जी याद किए जाएंगे। जब भी इस देश के अंदर बुनियादी ढांचागत विकास की बात होगी, टू लेन, फोर लेन, सिक्स लेन, एट लेन, इन राजमार्गों के निर्माण की बात होगी, तो सदैव अटल जी याद किए जाएंगे। भारत की संचार क्रांति में जब किसी गरीब के जेब में मोबाइल फोन और आधुनिक संचार माध्यम उसके हाथ में दुनिया की दूरियों को घटा रहा होगा, तो बरबस अटल जी का स्मरण हम सबको होगा। जब भी भारत अपनी राष्ट्रीयता की बात करेगा, देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा होगा, सदैव अटल जी याद किए जाएंगे। और भारतीय जीवन मूल्यों में जब भी सार्वजनिक जीवन में मूल्यों, आदर्शों, सिद्धांतों की बात होगी, तो सदैव अटल जी का स्मरण होगा। आज के दौर में जब राजनीति बहुत सारे लोगों के लिए धंधा बन चुका हो, राजनीति को मूल्य और आदर्शों से विरत कर दिया गया हो, उन स्थितियों में अटल जी का वह विराट व्यक्तित्व लोगों को मूल्य और आदर्शों के साथ जोड़ने की प्रेरणा प्रदान करेगा। वास्तव में अटल जी का यह विराट व्यक्तित्व हम सबको इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि व्यक्ति किसी बड़े घर में पैदा होने से बड़ा नहीं होता, बल्कि उसका कृतित्व से महान बनाता है। और अटल जी का वह कृतित्व न केवल उनके इस विराट व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाइयां प्रदान किया है, अभी तो उनके उस विराट व्यक्तित्व ने भारत के लोकतंत्र को, भारत की राष्ट्रीयता को भी एक नई ऊंचाई प्रदान की। आज के इस अवसर पर हम लोग
सदैव अटल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम अटल जी के जीवन के उन विभिन्न पक्षों से प्रेरणा प्राप्त करें। सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाला कार्यकर्ता कैसे आपस में समन्वय बना करके, कैसे हम राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों का पालन करते हुए जीवन के उन उच्च आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त कर सके, उस दृष्टि से एक साहित्यकार के लिए कि कैसे हमारी लेखनी समाज की संवेदनाओं को अपने साथ समेट सकती है, एक पत्रकार के लिए कैसे हम सामाजिक मूल्यों को और समाज की ज्वलंत समस्याओं को निर्भीक होकर के समाज और देश के सामने रख सकते हैं, एक समाज सेविक के रूप में भी कैसे हम बेहतरीन तरीके से भारत के उच्च आदर्शों को दुनिया के सामने रख सकते हैं, इन सभी क्षेत्रों में कार्य करने वाले मुझे लगता है हर तबके के लिए अटल जी का वह विराट व्यक्तित्व सदैव अनुकरणीय बना रहेगा। हम उन्हें आज के इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं इस अवसर पर आए हुए अपने सभी उन सहयोगियों को, खासतौर पर यहां पर कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेतागण आए हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कुछ वरिष्ठ नेतागण हैं, गोरखपुर के अधिवक्ता गण हैं, चिकित्सक गण हैं, व्यापारी व्यापार मंडल से जुड़े हुए पदाधिकारी गण हैं, सिख समाज से जुड़े हुए बंधुगण हैं, सिंधी समाज से जुड़े हुए गण हैं, समाज जीवन से विभिन्न पक्षों से और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले वरिष्ठ जन आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इन सबको हृदय से साधुवाद देते हुए सरदेव अटल जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।